बात कही लघु संबत जीवन पंच दशा कल पांत न नाश घुमान असा। पंच दशा का तात्पर्य है हम चार दिन लाए थे उधार मांग कर, दो आरजू में कड़ गए दो इंतजार में, दो आरजू में कड़ गए साहब दो इंतजार में। और आपने एक और एक बात कही संभल के चलना, ओ अब दूसरों पर पत्थर फेंकने वालों, संभल के चलना दूसरों पर पत्थर फेंकने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। डाई पर बहुत बरसे साहब आज भी, अब पता नहीं उन्हें किन की डाई देख ली, ये तो हो सकता है मेरे पर ही बरस रहे हो। तो मैं ये कहा करता हूं ये तो भाई मंच है और जग प्रपंच में सुनाना दीसा श्री रामचरितमानस पर आपने बहुत गंभीरतम एक प्रसंग आपने सुनाया। दो बातें आपने बड़ी काम की कही, ये तो पुण्य पुंज बिन मिलई न संता या बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। अच्छा राम बिहारी जी आप ही बताइए मैं सिद्धांत किसको मानूं, पुण्य पुंज को सिद्धांत मानूं या बिन हरि कृपा को सिद्धांत मानूं? यदि पुण्य पुंज प्रकट हो जाएगा तो हमको विशुद्ध संत मिलेंगे और कृपा भगवान की हो जाएगी हमको शुद्ध संत मिलेंगे। और ये संत का दरबार है पूज्यपाद हमारे गुरुदेव जी मुदगल जी महाराज जी का, यहाँ पर संतों का तो संता सदैव गंतव्य, यद्यपि उपदेशन्ति न तेषां सैवि कथा नित्यम उपदेशा भवन्ति। संतों का आना जाना तो यह बरकार बना करता है रहा करता है। तो आइए मैं संतों के उन पंच चिन्हों पर चलते हुए अब मैं एक ऐसी अमित हस्ताक्षरा शक्ति का आवाहन मंच पर कर रहा हूँ चार पंक्तियों में। सोए विचारों और हीन संस्कारों में, सोए संस्कारों और हीन संस्कारों में फिर से घर घर में आज चेतना जगाएगी, फिर से घर घर में चेतना जगाएगी। मकर संक्रांति आज सन 17 की, बोलो भैया, मकर संक्रांति आज सन 17 की देश के जवानों में क्रांति सी लाएगी। मकर संक्रांति आज सन 17 की देश के जवानों में क्रांति सी लाएगी। पल में मिटाएगी पाप के पहाड़न को, मानस के मंत्रों में गर्जना कराएगी, ये मानस के मंत्रों में गर्जना कराएगी। परिवर्तन होगा स्नेही निर्जीवन में, ये ऊषा की वाणी जब दिल में उतर जाएगी, ये ऊषा की वाणी साहब जब दिल में उतर जाएगी, परमादरणीय बिटिया ऊषा जी मानस मंच को संभाले और इनके नामों के अभिनंदन की घोषणा करेंगे भैया श्री बकील साहब।